हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ स्टडी में। आज हम जो क्लास 10th CBSE बोर्ड के पेपर को 30-4-1 सेट वन का सेक्शन ए और सेक्शन बी ही सिर्फ पढ़े थे, तो उसके बाकी जो पार्ट बचे हैं सेक्शन सी और सेक्शन डी, उसको सॉल्व करेंगे। यदि अभी तक आपने सेक्शन ए और सेक्शन बी का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। और यदि मेरे YouTube चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्शन सी का जो पहला क्वेश्चन है 27, प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। बहुत ही आसान है, ऐसे क्वेश्चन हर साल आते हैं, इसको कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करते हैं। तो देख लेते हैं कैसे इसको प्रूव किया गया है। हम लिख लेंगे लेट √5 इज अ रेशनल नंबर, और जब हम √5 को रेशनल नंबर मान लिए हैं तो इसको लिख सकते हैं देयरफॉर √5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो हो ही नहीं सकता। आल्सो आप ये भी कह सकते हैं कि पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, क्योंकि रेशनल नंबर होने का कंडीशन होता है कि वो दोनों पी और क्यू क्या होने चाहिए, को प्राइम। अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर 5 हो गया, ये हो गया पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर को जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो 5q² इक्वल टू पी स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी स्क्वायर इक्वल टू 5q², इसको मान लिया गया इक्वेशन फर्स्ट। तो इससे ये क्लियर हो गया कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। पी स्क्वायर जो है 5 से क्या है, डिविजिबल है, या यूं ही कह लें कि पी इज डिविजिबल बाई 5। अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो पी भी 5 से डिविजिबल होगा। लेट p इज इक्वल टू हम 5 पे एज्यूम किए हैं, वेयर a इज इंटीजर्स। अभी तक p और q ले रहे थे लेकिन अब 5 पे लेके सॉल्व करेंगे। तो जब यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में p की जगह पे 5 a रखेंगे तो हो जाएगा 25a² इज इक्वल टू 5q², और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25a² 5 से 5 कैंसिल, यानी 5a² इज इक्वल टू q² इक्वेशन 2। इट मीन्स दैट ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सॉरी यहाँ पे क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। दिस इंप्लाइज दैट पी एंड क्यू हैव अ कॉमन फैक्टर। इससे ये क्लियर हो गया कि पी और क्यू के पास एक कॉमन फैक्टर है। दिस इज कंट्राडिक्ट पी एंड क्यू आर को प्राइम, जो कि को प्राइम होने का क्या कर रहा है, कंट्राडिक्शन कर रहा है। तो लिख लेंगे देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट √5 इज अ इरेशनल। बहुत ही आसान था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, द सम ऑफ द फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1920 इफ द फोर्थ टर्म इज 18, फाइंड द 11th टर्म। एपी का क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 30, यानी एस 30 से डिनोट करेंगे, ये है 1920। एस 30 मतलब यानी n की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 30। कह रहा है फोर्थ टर्म इज 18, यानी ए 4 को 18 लिख सकते हैं। तो ए 4 है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए प्लस 3d इक्वल टू 18। तो a की वैल्यू यहाँ से अगर हम फाइंड करें, प्लस है ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस 3d, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। बिकॉज हम जानते हैं कि जो सम ऑफ एपी में सम का जो फार्मूला होता है sn इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या किया गया है, तो n की वैल्यू 13 दिया है, 13 रख दिया n की जगह पे 13, जहाँ भी n था वहाँ पे 13 रखा गया है, और a की वैल्यू ऊपर से 18 माइनस 3d, तो a की जगह पे यहाँ पे 18 माइनस 3d लिख लिया गया है। तो sn की वैल्यू है 1920 और 30/2 यानी 15 हो जाएगा। 2 का 18 में करेंगे तो 36, 2 का 3 में करेंगे तो 6d, और ये हो जाएगा 29d। 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 128 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, ये 36 लिख दिया गया, 29 में से 6 को सबट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 23d, यानी 23 को पहले कर लिए हैं और ये 128 माइनस 36 तो सबट्रैक्ट करने पे आएगा 92, 23 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम में, डी की वैल्यू 4। तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट आपका जो है ऊपर आप देख सकते हैं a इक्वल टू 18 माइनस 3d, तो a 18 लिख दिया गया है और d की जगह पे 4, 4 3 12, 18 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है आपका 11th टर्म निकालना था, तो उसको a 11 से डिनोट करते हैं, तो a 11 है तो a प्लस ई से 10d लिख सकते हैं। a की वैल्यू 6 प्लस 10, d की वैल्यू 4, 10 4 जब 14 में 6 ऐड करेंगे 46,
तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आई होप आप लोग का क्वेश्चन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 29 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 3-1 एंड 6-8। देख लेते हैं इसको, कह रहा है कि एक कोई लाइन सेगमेंट है, इसको हम मान लिए कि इसके इंड पॉइंट ए और बी है, ए दिया है 3-1 और बी दिया है 6-8। तो आपको उन कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना जो इसको ट्राइसेक्ट करता है, यानी दो अन्य बिंदु होंगे, एक को मान लिया गया सी, एक को मान लिया गया डी। ट्राइसेक्ट का मतलब तीन इक्वल भागों में, तो ये जो दी इक्वल पार्ट मान लिए गए हैं कि ये सारे आपस में इक्वल हैं, अगर ये वन है तो ये भी वन होगा, ये भी वन ही होगा। तो लिख लिए हैं लेट पॉइंट्स आर सी एंड डी, यानी अदर जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको सी और डी मान लिए गए कोऑर्डिनेट्स के जो पॉइंट हैं। तो पहले हम सी के लिए सॉल्व कर रहे हैं, पहले हम सी के लिए, तो सेम ऐसे लाइन ड्रा कर ली, ए के पॉइंट वही है, बी का भी पॉइंट वही है, यहाँ पे सी। अब देखिए जब सी है तो यहाँ से यहाँ तक की रेशियो वन है, और सी से लेके बी तक का रेशियो हो जाएगा टू, क्योंकि दोनों ऐड हो जा रहा है। तो हम जानते हैं कि जब रेशियो दिया हुआ हो और पॉइंट दिए हुए हैं तो उसका पॉइंट कैसे फाइंड होता है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी फार्मूला होता है। और जब आपको एक्सटर्नल नहीं कह रहा है तो आपको समझ जाना है कि इंटरनली के लिए ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम इंटरनल के लिए फार्मूला यूज कर दिए हैं पॉइंट फाइंड करने के लिए, m1x2 + m2x1 / m1 + m2 / m1y2 + m2y1 / m1 + m2, इसी पे रख के वैल्यू को सॉल्व कर लिया गया है। मैं ज़्यादा इसको समझाऊंगा नहीं, आप इसको स्क्रीन शॉट ले लेंगे, इजिली समझ आ जाएगा। स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं इसको। मैं फिर आगे सेकंड के लिए जब डी निकालना है तो फिर वही ए से लेके डी तक, अब ए से लेके डी तक का जो रेशियो हो जाएगा टू हो जाएगा, और डी से लेके बी तक रेशियो टू, यानी M1 की वैल्यू अब यहाँ पे 2 और M2 की वैल्यू 2, बाकी सब ऐसे ही रहेंगे। इसको भी आप स्क्रीन शॉट ले लें, आंसर आप मिला सकते हैं। जो D का कोऑर्डिनेट आएगा वो 5 5 आएगा, और जो C का कोऑर्डिनेट आया है 4 और 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD हैविंग वर्टेक्सेस एट A 1 2 B 1 0 C 4 0 एंड D 4 4। तो इसका इमेज बना दिया गया, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD वर्टेक्स दो, 1 2 1 0 4 0 और 4 4 जो दिए थे उसको लिख लिया जाए। तो सिंपली इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान था, आप किसी एक डायगोनल को ड्रा कर लेते, ये दो ट्रायंगल बन जाता है, दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेना था। तो यहाँ पे इसको भी आप स्क्रीन शॉट ले लें, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आया है यहाँ पे ABD उसका है 3 स्क्वायर यूनिट, ट्रायंगल का एरिया यहाँ पे लगा दिया गया, आप देख सकते हैं स्क्रीन शॉट लेके। फिर आगे क्या किया गया, अगेन फॉर ट्रायंगल BCD के लिए लिया गया यहाँ पे BCD के लिए, और यहाँ पे जब BCD का एरिया निकाला गया तो 6 स्क्वायर यूनिट, तो लिखा गया देयर फॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, तो 3 और 6 हो गया है 9, यानी टोटल क्वाड्रिलेटरल का जो आया होगा 9, अगर आप ये लगा के आएंगे तो बिल्कुल आपका सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रूफ करने वाला है, ये फिगर दिया हुआ है और यहाँ पे कह रहा है XY और MN आपका टेंजेंट है जो कि पैरेलल है, और आपको क्वेश्चन पढ़ लेंगे और यहाँ पे सिद्ध क्या करना है कि जो AOB की वैल्यू है वो 90 डिग्री है। तो मैं इसको सॉल्व के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे फिगर बना लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन पूरा अंत तक देखें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो लोग भी अपने आंसर की को मिला सकें। तो सबसे पहले जो गिबेन वगैरह आप वो ले सकते हैं, मैं सीधे जो प्रूफ का है वो मैं करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे वर्क किया है ज्वाइन CO, यानी आप देख रहे हैं ये बाकी सारा जो ब्लैक है वो पहले से दिया था, जो रेड वाला देख रहे हैं उसको ज्वाइन किया गया है, यानी उसी को मिलाया गया है। अब क्या किया गया है, नाउ ट्रायंगल इन ट्रायंगल AOP एंड ACO, AOP और ACO दो ट्रायंगल आपका लिया गया है, तो आप लिख सकते हैं AP इक्वल टू AC। कौन से रूल से, टेंजेंट ड्रा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक बाह्य बिंदु से कोई भी टेंजेंट जो ड्रा किया है उसका लेंथ इक्वल होता है। फिर लिखा गया है AO इक्वल टू
यानी एओ एओ इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी, ये कॉमन के रूल से हो गया है। फिर OP कोस टू OC, ये रेडियस दोनों हैं और रेडियस आपस में इक्वल होते हैं। तो इस प्रकार से ट्रायंगल AOB इज कंग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACB SSS रूल से, यानी ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया। तो CPCT के रूल से ये जो एंगल हो जाएगा, इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये दोनों एंगल आपस में हो गए इक्वल। फिर इसी प्रकार से सिमिलरली, जिस प्रकार से इन दोनों ट्रायंगल को हम कंग्रुएंट प्रूफ किए हैं, उसी प्रकार से ट्रायंगल BOQ और BOC को भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो जब ये भी कंग्रुएंट हो जाएगा, तो ये एंगल और फिर ये एंगल आपस में हो जाएंगे CPCT के रूल से आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे वही लिखा गया, एंगल BOQ इज इक्वल टू एंगल BOC CPCT के रूल से इक्वल हो जाएगा। लिखेंगे बिकॉज QP इज द डायमीटर एंड आल्सो एज स्ट्रेट लाइन, आल्सो अ स्ट्रेट लाइन, यानी आप देख रहे हैं PQ एक डायमीटर भी है, एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे बने एक ही साइड में जो सारे एंगल का सम होता है 180 का होता है। तो यहाँ पे नीचे वही लिखा गया है, एंगल AOP प्लस एंगल AOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOQ इक्वल टू 180। तो चूंकि एंगल AOP AOC आपस में इक्वल है, इसलिए टू एंगल AOC लिख लिया गया है। फिर BOC और BOQ आपस में इक्वल है, ऊपर प्रूफ हो चुका है, इसलिए टू BOC। अब टू से डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन में, तो हो जाएगा एंगल AOB बचेगा प्लस एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री। और आप ऊपर देखें, AOC एंगल और एंगल BOC, एंगल AOC और BOC ये है एंगल AOB, तो इसके जगह पे लिख दिया गया एंगल AOB, इजिली प्रूफ हो गया कि ये 90 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 5x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 3y, यानी इससे पहले एक्स वाई की वैल्यू निकालना है इन दोनों इक्वेशन से, फिर आपको 5x माइनस 3y निकालना है। तो देखते हैं, इक्वेशन जो आपको दिए थे 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 5x माइनस 4y इक्वल टू 3 सॉरी माइनस 7। तो इजिली जब भी अगर फ्रैक्शन के टर्म में आ जाए, कॉमन होता है, तो उसको हम कुछ लेट करके और इजी बना लेते हैं क्वेश्चन को। तो हम क्या किए हैं कि 1x यहाँ भी, 1x यहाँ, 1y और 1y, तो इसलिए 1x इक्वल टू ए एंड 1y इक्वल टू बी लेट कर लिए। आप ए और बी की जगह पे कोई एक्स और वाई को छोड़ के कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो इक्वेशन जो ये फर्स्ट है, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 1x, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और प्लस 3 × 1y इक्वल टू 11 लिख सकते हैं। 1x की वैल्यू है यानी 2a, और 1y की वैल्यू भी यानी प्लस 3 भी इक्वल टू 11, इसको इक्वेशन फर्स्ट। एंड इसी प्रकार से जो सेकेंड इक्वेशन है उसको भी लिख सकते हैं, 5a माइनस 4b इक्वल टू माइनस 7, ये हो गया इक्वेशन टू। जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में होता है, तो उसमें एक टर्म को इक्वल करते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया गया और इक्वेशन टू में 2 से, इन्हीं के कोफिशियंट से आपस में मल्टीप्लाई करके इक्वल कर लेते हैं। तो 10a प्लस 15b इक्वल टू हो गया 55। जो भी मल्टीप्लाई करेंगे सारे टर्म में करेंगे, फिर 2 से जब इसमें किया गया, तो ये 10a माइनस 8b और माइनस 7 का 2 में करेंगे तो 14 हो जाएगा। क्योंकि ये साइन दोनों सेम था, इसलिए लिखेंगे सबट्रैक्ट। सेम साइन होने पे सबट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट साइन होने पे ऐड करते हैं। तो ये प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, माइनस था तो प्लस, कैंसिल हो गया। 15 में 8 ऐड किया गया तो हो गया 23b, और 55 में 14 ऐड किया गया 69। 23 से डिवाइड किया गया होगा, b की वैल्यू हो गया है 3। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे ले लिया गया है, इक्वेशन फर्स्ट आपका है 2a प्लस 3b इक्वल टू 11, बी की वैल्यू 3, 3 × 9 प्लस था तो हो गया माइनस, 11 में से जब 9 को सबट्रैक्ट किया गया हो गया 2, 2 से 2 को कैंसिल किया गया, ए की वैल्यू आ गया है 1। तो लिखेंगे नाउ जो हम माने थे यहाँ पे, देयरफॉर लिखेंगे 1x इक्वल टू ए, 1y इक्वल टू बी, ए की वैल्यू 1 यानी x की वैल्यू 1 आ गया, b की वैल्यू 3 यानी क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं तो y की वैल्यू हो गया है 1/3। देयरफॉर 5x माइनस 3y, 5 × x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू है 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4।
यानी आपके जो वैल्यू पूछ रहा था वो 4, जो भी लगा के होंगे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन जो 31 का ही है, जो आर करके दिया था, टैक्सी चार्ज इज अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज एंड रिमेनिंग चार्ज डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल फॉर अ जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर। द चार्ज पैड इज आर एस 75 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पैड इज 100। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्जेज पर किलोमीटर, हैंस फाइंड द चार्ज ऑफ कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 35 किलोमीटर। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में, सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द फिक्स चार्ज बी आर एस एक्स एंड पर किलोमीटर चार्ज बी वाई रुपी, यानी फिक्स चार्ज हम मान लिए हैं कि एक्स रुपीज़ है और पर किलोमीटर का जो चार्ज है वाई रुपी में। तो अकॉर्डिंग टू द गिवेन कंडीशन, कंडीशन फर्स्ट ये कह रहा है कि 10 किलोमीटर जब वो कवर कर रहा है तो 75 देना पड़ रहा है, तो फिक्स चार्ज एक्स प्लस 10 × 1 किलोमीटर का वाई, तो चूंकि 10 किलोमीटर है इसलिए 10y = 75 इक्वेशन फर्स्ट। फिर कह रहा था कि 15 किलोमीटर चलने के बाद 110 पैड कर रहा है, तो फिक्स चार्ज एक्स प्लस 15 × y = 110। अब ये इजिली इक्वेशन देख रहे हैं कि ये इक्वल है तो सबट्रैक्ट कर दिए हैं, ये प्लस माइनस था इसलिए सबट्रैक्ट हो गया है, तो प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, ये सेम है कैंसिल हो गया प्लस माइनस में। माइनस 15 में से 10 को सबट्रैक्ट करेंगे माइनस 5y, और माइनस 110 में 75 को करेंगे तो हो जाएगा माइनस 35। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 × 7 = 35, यानी पर किलोमीटर का जो आ गया 7 रुपीज़। यही वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में रख के निकालेंगे, तो ये आ गया x की वैल्यू 5, यानी लिखेंगे हैंस फिक्स चार्ज 5 रुपीज़ आ गया और पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो 7 रुपये है, तो लिखेंगे देयरफॉर द चार्ज ऑफ 35 किलोमीटर इज, तो 35 किलोमीटर एक्स प्लस 35 वाई, क्योंकि एक्स फिक्स चार्ज है, तो ये 5 हो गया, 35 × 7 यानी 245, ऐड किया गया तो 250, यानी 35 किलोमीटर चलने पे उनको जो देना पड़ा होगा वो 250 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो प्रूव दैट, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 / कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 / सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी जो CBSE बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो पार्ट बनाया था, जो जिसमें क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्व किए गए थे, उसमें मैंने बता चुका है, फिर भी यहाँ पे मैं उस क्वेश्चन को दिखा दे रहा हूँ, आप स्क्रीन शॉट ले लेंगे। ये आपके क्वेश्चंस रहा, बहुत ही ट्रिकी था, थोड़ा बड़ा था लेकिन आसान था, आप स्क्रीन शॉट ले लें इसको, मैं थोड़ा सा आगे करते जा रहा हूँ। मैं इसके सॉल्यूशन का इमेज लगा दूंगा, आप स्क्रीन शॉट लेके समझ सकते हैं, या जो वीडियो बनाए वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, इन फिगर 8 फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विथ वर्टेक्स ओ एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ओ ए बी ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर एज सेंटर। इसमें यूज करने के लिए क्या कहा है कि आपको π = 22/7 लेना है एंड √3 = 1.73 लेना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देख लेते हैं, NCERT का ये क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट बदल दिए गए हैं यहाँ पे, तो ये फिगर बना लिया गया है। आप सिंपली साइडेड रीजन का जब निकालेंगे तो क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, लेकिन ये दो बार हो जा रहा है इसलिए माइनस उसमें से कर देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर OPDQ। तो लिखेंगे वी नो दैट द ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज एन मेजरिंग 60 डिग्री, यानी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल इसके सारे जो एंगल होंगे 60 डिग्री के होंगे। तो लिखे हैं नाउ एरिया ऑफ सेक्टर OPDQ, तो फार्मूला होता है θ/360 × πr² इसको जब साल्व किया गया है, आप स्क्रीन शॉट लेते जाएंगे, साल्व किया गया है तो ये आ गया 25.66 r 144/6, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, अगर यह एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो होता है √3/4 × side² तो √3/4 × 14 लिख सकते हैं, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 14, 7 × 7 = 49 √3, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 49 √3। फिर आगे एंड एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², यहाँ पे रेडियस जो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो पाई की वैल्यू का है 22/7, 7 चूँकि स्क्वायर है 7 × 7,
सेवन से सेवन कैंसल, यानी एरिया ऑफ सर्कल आ गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे देयर फोर एरिया ऑफ सैडर रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी डी क्यू। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 49√3 प्लस एरिया ऑफ सर्कल 144 है, माइनस 144/6। इसको जब सॉल्व किया गया है तो आ गया है 49√3 प्लस 770/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप स्क्रीन शॉट ले लें तो आप ऐसे लगा के आए होंगे, आप चाहे √3 की वैल्यू भी रख के सॉल्व किए होंगे, बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही। तो अगला क्वेश्चन है, हम आ गए हैं सेक्शन डी पे। सेक्शन डी का 35 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू द बैड वीदर, द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप वाज डिक्रीज बाय 200 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट ओरिजिनली, यानी एयरक्राफ्ट का ओरिजिनल स्पीड फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देख लेते हैं। हम मान लेंगे कि लेट द ओरिजिनल स्पीड इज एक्स किलोमीटर पर आवर, देयर फॉर न्यू स्पीड हो जाएगा एक्स माइनस 200 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि खराब मौसम की वजह से इसका जो स्पीड है 200 किलोमीटर डिक्रीज हो जा रहा है, इसलिए जो न्यू स्पीड होगा एक्स माइनस 200 किलोमीटर पर आवर। और हम जानते हैं टाइम का जो फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय मतलब स्पीड, तो डिस्टेंस टोटल उसका 600 किलोमीटर कवर किया है, तो इसलिए लिख लिया गया है टाइम टेकन ड्यूरिंग ओरिजिनल स्पीड। तो डिस्टेंस तो वही है 600 और स्पीड पहले था एक्स किलोमीटर, ए आर में आ गया। फिर जो अगला टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा न्यू टाइम इज इक्वल टू 600/x-200। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों टाइमों के बीच का जो अंतर है वो 30 मिनट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ज़्यादा टाइम लेगा, तो ज़्यादा में से कम कोई तो सब टिक करेंगे। 600/x-200 - 600/x = 30 मिनट। इसको जब आर्स में चेंज किया गया तो 1/2 आर्स हो गया, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड आर्स में है तो ये भी आर्स में ही होना चाहिए। दोनों में 600 कॉमन किया गया है तो यहाँ पे बचा है आपका 1/x-200 और -1/x। अब x का मल्टीप्लाई x यहाँ पे हो गया 1 में तो x हुआ है, x माइनस 200 कवर में हुआ है तो -x माइनस माइनस प्लस 200, ये माइनस और ये प्लस हो गया है कैंसल। अब 200 का 600 में जब किया गया है तो हो गया है यहाँ पे 12 और 2020 हो गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 200 ए एक्स नीचे लिख दिया गया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया एक्स स्क्वायर माइनस 200 और 1,20,000 यहाँ पे आ गया है, तो 12 का 2 में किए हैं तो 24 हो गया है, यहाँ पे 40 है तो 40 लिख दिया गया है, प्लस है ट्रांसफ़र किया गया है माइनस हो गया है। अब इसको चूंकि सिंपली फैक्टर नहीं हो पा रहा है इसलिए इसको फार्मूले से फैक्टर किया गया है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म से जब कंपेयर किया गया ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -200 एंड सी की वैल्यू हो गया है -24 और यहाँ पे 40 हो गया है। और फिर यहाँ पे हुआ क्या है, हम फार्मूला यूज कर दिए हैं एक्स इक्वल्स टू -b प्लस -b² - 4ac/2a। अब यहाँ पे आप स्क्रीन शॉट ले लेंगे, जब साल भी ये किया गया है तो आया गया है 100 + -500, वैल्यू पुट करके इजिली इसको सॉल्व कर लिया गया है। अब चलते हैं फिर आगे इसके साथ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जब चूंकि प्लस माइनस है, अगर यहाँ पे हम माइनस लें या आप यहाँ पे देखेंगे अगर चूंकि माइनस ले लें तो 500 में से 100 को सबट्रैक्ट करेंगे तो -400 आ जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है, छोड़ देंगे। इसलिए 100 + 500 लेंगे तो आपका जो स्पीड आ जाएगा x की जो वैल्यू आ जाएगा 600 और x ही तो था जो आप माने थे एयरक्राफ्ट का ओरिजिनल स्पीड, तो आपका ओरिजिनल स्पीड हो जाएगा 600 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट इसी का जो 35 का आर करके दिया हुआ है, कह रहा है 9000 वेयर डिवाइडेड इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, हैड देयर बीन 20 मोर पर्संस ईच वुड हैव गॉट लेस 160 लेस, फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन। तो सेम इसमें भी मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ ओरिजिनल पर्सन बी द, यानी ओरिजिनल जो पर्सन थे मान लेंगे कि एक्स पर्सन थे,
तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले 9000 को उस उनमें डिवाइड किया गया है, तो ये हो जाएगा 9000 बाई एक्स। फिर कह रहा है कि 20 और ऐड हो गए, तो ये 9000 बाई एक्स प्लस 20, और इनका जो डिफरेंट है यानी ये जितना पैसा पा रहे हैं ये उनसे 160, यानी दोनों का जो डिफरेंट है 160 को, और इसको भी सॉल्व किया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। दोनों में 9000 कॉमन कर लिया गया है, तो बचा है 1/x, और यहाँ पे बचा है 1/x+20। तो 0 से 0 कैंसिल, और 4 से दोनों साइड में जब 900 को और 16 को डिवाइड किया, 225 हो गया, और ये हो गया है 4। तो 225 को लिख लिया गया, x+20 का 1 में करेंगे x+20, x का -1 में करेंगे तो -x, ये -x+x हो गया कैंसिल। 225 का 20 मल्टीप्लाई किया गया 4500, और x²+20 नीचे था वैसे ही लिख दिया गया है 4/1। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए गए हैं, 4 से इसको कैंसिल कर दिए हैं, तो 1125 हो गया है, और ये यहाँ पे आ गया है। फिर ये प्लस था, ट्रांसफ़र किया गया है माइनस, और अब फैक्ट्री जन इसका जनरली फैक्टर कर लिया गया है, मल्टीप्लाई करने पे 1125 और सबट्रैक्ट करने पे लाना था 20। तो 45 में अगर हम 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1120, और सबट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 20, और इसको सॉल्व करने पे जो एक्स की वैल्यू आ गया है वो 25। तो लिखेंगे देयर फोर ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन इज 25, यानी टोटल 25 पर्सन्स थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 37 का आ रहा है। कह रहा है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर्स टू साइड्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, देख लेते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये है। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल हम ड्रा कर लिए हैं, जिसका नाम दे दिए हैं ए बी और सी। तो इसमें 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, यानी यहाँ पे इसके अनुसार प्रूव करना है हमको बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो हम किए क्या है कि ए से आपके बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रा कर लिए, तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। अब हम कंसीडर कर लिए यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी बी, यानी एक बार पूरा बड़ा वाला लिए हैं ए बी सी, और दूसरा फिर लिया गया ए डी बी, ए डी बी यहाँ पे अलग अलग ट्रायंगल बना दिए गए हैं। तो सिमिलरिटी के रूल से हम ले सकते हैं ए बी बाई बी डी, यानी ए बी बाई हम लिख सकते हैं डी बी या बी डी कुछ भी, ये साइड अगर ले रहे हैं तो सेम वही साइड, दोनों सेम होने चाहिए। फिर बी सी बट्टे बी ए ले लिए हैं, अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए बी इंटू ए बी, लेफ्ट हैंड में हो गया, और ये हो गया राइट में बी सी इंटू बी डी, ए बी हो गया ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी बी, इसको मान लिया गया इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलर इसी प्रकार से एक बार फिर वही ट्राइंगल ए बी सी ले लिया गया है, फिर नीचे वाला पार्ट ए डी सी लिया गया है, तो इसमें भी सिमिलरिटी का रूल लगाया गया है, लिखा गया ए सी इज इक्वल टू डी सी लिख सकते हैं, सॉरी ए सी बाई डी सी, यानी इसका रेशियो अदर टू साइड के रेशियो के इक्वल होगा सिमिलरिटी के रूल से, और बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी। फिर इसका भी जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है तो ए सी का ए सी में करेंगे तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर, और डी सी का बी सी में करेंगे तो बी सी इंटू हो जाएगा डी सी, इसको मान लिया गया इक्वेशन सेकेंड। फिर लिखेंगे नाउ इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन टू, अब क्या किए हैं कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू दोनों को ऐड कर लिए, तो लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करते हैं और राइट को राइट में। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर है, और फिर सेकंड इक्वेशन का ए सी स्क्वायर है, तो इसलिए यहाँ पे हो गया है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। इक्वेशन फर्स्ट में आप देखें तो लेफ्ट हैंड में बी सी बी डी, और इक्वेशन टू यदि आप देखें तो वहाँ पे है बी सी इंटू डी सी, तो यहाँ पे वही पे प्लस के साथ लिखा गया है, दोनों में बी सी कॉमन है, बी सी दोनों में क्या किया गया है कॉमन, तो यहाँ पे बचा है बी डी और प्लस डी सी। तो बी सी लिख लिया गया है बी डी और डी सी, आप फिगर में देखें बी डी और डी सी को हम बी सी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे बी सी इंटू बी सी आ गया बी सी स्क्वायर, यही हमको क्या करना था
प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, अ मैन स्टैंडिंग इन द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर विच अ यूनिफॉर्म स्ट्रीट आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार बिकम 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इसमें यूज आपको करना है अंडर 3 = 1.73। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे ज़रूरी होता है इसमें फिगर, तो फिगर को बना लिया गया है। मान लिया गया यहाँ पे जो आप सीढ़ी देख रहे हैं ये टावर है, व्यक्ति जो है ये डी पे है और हाईवे जो है ए से सी यानी ये स्टेट हाईवे जा रहा है। तो पहले व्यक्ति देख रहा है तो कार ए पे था, फिर मान लिए कि जब 50 मीटर वो आगे जा रहा है तो उस बी पे पहुंच जा रहा है जहाँ पे एंगल उसका 60 डिग्री हो गया। तो ये डिस्टेंस हमको पता नहीं था, इसके बीच का डिस्टेंस वाई मान लिए हैं और जो टावर का हाइट ही हमको निकालना है उसको कर लिए लेट द हाइट ऑफ द टावर इज एच मीटर। तो यहाँ पे बेसिकली हम टेन थीटा का यूज करेंगे क्योंकि हमको जो रेशियो दिया है, हमको जो रेशियो पता है वो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है। तो जनरली हम टेन थीटा यूज करेंगे, लिखेंगे बिकॉज इन ट्राइंगल ए सी डी, बिकॉज हम जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे एच है और बेस, जब यहाँ पे ए सी डी ले रहे हैं तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल होगा जिसमें बेस टोटल होगा 50 + y, तो बेस के जगह पे लिख दिया गया 50 + y और थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री। तो 30 की वैल्यू होता है 1/√3 और ये आपका वैसे ही एच बाई 50 + y। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 50 + y को लेफ्ट हैंड साइड में √3 के एच में कर देंगे √3 / h, y की वैल्यू ये 15 है इधर आ जाएगा माइनस, यानी y की जो वैल्यू आ गया √3 h - 50, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसी प्रकार से हम ट्राइंगल लेंगे, अगेन ट्राइंगल बी सी डी, आप फिगर दे सकते हैं बी सी डी, फिर tan थीटा यूज करेंगे तो हो जाएगा h बाई वाई। तो यहाँ पे लिख दिया गया tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, थीटा की वैल्यू वहाँ ऊपर देखेंगे तो 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर h है और बेस आपका वाई है, टेन 60 की वैल्यू होती है √3। और फिर यहाँ पे चाहे नीचे लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच इक्वल टू √3 y। अब इक्वेशन फर्स्ट आप देखें तो इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू √3 h - 50, यहाँ पे वही वैल्यू क्या किया गया है पुट कर दिया गया है, √3 का √3 h में करेंगे तो हो जाएगा ये 3 h, √3 का 15 में करेंगे 15 √3, ये 3 h है प्लस इधर ट्रांसफर करेंगे माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पे ही रहेगा -50 √3, 3 में से h को सबट्रैक्ट करेंगे -2 h, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 50 को जब कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 25। और √3 की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में कहा था कि 1.73 लेना है, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आ जाएगा 43.25 मीटर। तो जिसका ये आंसर आया होगा बिल्कुल वो सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा, अ बॉकेट ओपन एट द टॉप हैज टॉप एंड बॉटम रेडियाई ऑफ सर्कुलर एंड्स एंड 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टली, फाइंड द वैल्यू ऑफ द बॉकेट इफ इट्स डेप्थ इज 21 सेंटीमीटर, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द टीन सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉकेट। यहाँ पे पाई की वैल्यू आपको 22/7 यूज करना है। तो यहाँ पे एक बॉकेट बना लिया गया है जिसका ग्रेटर डायमीटर 14 है, यानी ऊपर का सिरा ज़्यादा होगा 14 और नीचे है जो 20 सेंटीमीटर का डायमीटर है। तो बिकॉज दिया है d1 = 20 cm d2, यानी स्मॉलर को d1 मानते हैं और ग्रेटर को d2, तो देयरफॉर r1 हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और r2 हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, हाइट इसका दिया 21 सेंटीमीटर। आप ध्यान से देखें तो ये फ्रस्टम है, तो इसका वैल्यूम पहले निकाल लिया जाए और वैल्यूम ऑफ द बॉकेट यानी फ्रस्टम का वैल्यूम हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है 1/3 πh इन ब्रैकेट r1² + r2² + r1 × r2। तो 1/3 लिखा गया, पाई की वैल्यू 22/7 h, h मतलब इसका हाइट दिया है 21, तो यहाँ पे 21 लिख दिया गया, r1 10 था तो 10 का स्क्वायर किया गया 100, r2 था आपका 20 का स्क्वायर किया गया 400 एंड r1 × r2, r1 था आपका 10, r2 था 20 में, 10 का जब मल्टीप्लाई किया गया तो 200 हो गया है। यहाँ पे 3 से कैंसिल किया गया, 3 × 7 = 21 और 3 से 3 को कैंसिल, यहाँ पे बचा है 22, सबको ऐड किया गया 700 हुआ है।
700 का 22 में किए तो 154,00, और चूंकि वैल्यूम है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। फिर कह रहा है कि इसका बताना है कि आपको कितना टीन सीट लगेगा, कितना स्क्वायर टीन सीट लगेगा। तो इसका मतलब हो गया कि इसका आपको निकालना है सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो जब इस तरीके का शेप बनता है तो इसका पहले सरफेस एरिया लेंगे, और फिर इसका ये जो नीचे देख रहे हैं ऊपर से तो खुला होता है लेकिन नीचे का एरिया निकालना पड़ेगा, यानी एरिया ऑफ टीन सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉकेट एरिया। तो ये हो जाएगा पाई R1 + R2 + L। ये होगा सिर्फ आपका इस साइड का, ऊपर के साइड का, मतलब ओपन साइड का हुआ, लेकिन नीचे के भाग का क्या होगा आपका पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कल का है तो ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर। अब इजिली यहाँ पे जब साल्व किया गया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एल हमको पता नहीं था तो एल फार्मूला जरा निकालें, होता है √H² + R1 - R2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 23.25। और इसमें जब वैल्यू रख के साल्व किया गया है तो ये हो गया 25,06.42 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। तो ये था आपका बॉकेट बनाने में जो टीन सीट लगेगा, ये इतना एरिया स्क्वायर नियर अबाउट लगेगा अप्रॉक्सीमेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, ऑप्टेन अदर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स दिए, इसके टू रूट्स √3 एंड -√3 दिया है, तो इससे आपको अदर जीरो फाइंड करना है। देखते हैं, तो लिख लिया गया यहाँ पे द गिवन पॉलिनोमियल इज fx इक्वल दिया था 2x⁴ + 3x³ - 5x² - 9x - 2। ठीक है, तो लिखेंगे बिकॉज इट्स टू जीरोज आर √3 एंड -√3, तो लिखेंगे देयर फोर एक्स -√3, चूंकि ये आपको पता है इसका फार्मूला होता है x-α और सेकेंड ब्रिकेट में x-β, तो ये प्लस था तो ये x-√3 होगा, और माइनस फार्मूले का x+√3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x²-3। अब क्या किया जाता है, जो फैक्टर आया होता है उसको आपको गिवेन जो पॉलिनोमियल उसमें डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने पे यहाँ पे इसको डिवाइड जब किया गया तो 2x² + 3x + 1 आया है, इसका जो क्वोटिएंट आया 2x² + 3x + 1, रिमाइंडर ऑलवेज जीरो आना चाहिए। तो फिर इसके जो फैक्टर किया गया है 2x² + 3x + 1, आप इसको भी ले लेंगे स्क्रीनशॉट, इजी है इसलिए मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसका भी जब फैक्टर करेंगे तो फैक्टर आ गया इसका x = एक आया -1 और ये क्या है x = -1/2। तो देयर फोर आपका जो टोटल जीरोज हो जाएगा √3 - √3, ये तो दिया ही था, अन्य जीरो आपको निकालना था जो -1 है और -1/2। तो ऐसे जिनका भी आया होगा 1 - 1 एंड -1/2 बिल्कुल सही आंसर है। 40 के जो आर वाला क्वेश्चन दिया था उसको देख लेते हैं। कह रहा है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन द जीरोज फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल व्हिच जीरोज आर रेसिप्रोकल्स ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल्स 5x² + 2x - 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। हियर पॉलीनोमियल्स जो दिया है px = 5x² + 2x - 3, तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे ए की वैल्यू 5 आ जाएगा, बी की वैल्यू 2 एंड सी की वैल्यू हो जाएगा जो -3 हो जाएगा। लिखेंगे सो अल्फा प्लस बीटा जो सम ऑफ जीरो जो होता है उसका फार्मूला होता है -b/a, तो बी की वैल्यू 2 है तो -2/5, ए की वैल्यू 5। फिर एंड अल्फा इंटू बीटा = c/a = सी की वैल्यू है -3 और ए की वैल्यू है 5, यानी ए हो गया -3/5। लिखेंगे नाउ सम ऑफ इस रेसिप्रोकल्स इज, यानी अब इसके जो व्युत्क्रम है, जो रेसिप्रोकल का सम है वो देखते हैं। तो अल्फा का रेसिप्रोकल 1/अल्फा और बीटा का 1/बीटा, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा α+β/α(β). अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2/5 है, तो लिखा गया है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -3/5 है, 5 से 5 कैंसिल, -से -2, बचा 2/3, यानी सम ऑफ इस रेसिप्रोकल इज आ गया 2/3। फिर एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स रेसिप्रोकल इज, तो 1/α × 1/β यानी 1/α β, और ऊपर आप अल्फा बीटा की वैल्यू देखेंगे तो ये है -3/5। जब -3/5 यहाँ पे रखा गया है
तो ये 5 ऊपर चला गया यार, ये हो गया -5/3। तो लिखेंगे देयरफॉर द पॉलिनोमियल इज पी एक्स, एक्स स्क्वायर सम ऑफ इसके प्रोडक्ट जो आया था सम ऑफ 2/3, तो 2/3 × x, और प्रोडक्ट जो आया था -5/3, तो प्लस इन ब्रैकेट -5/3। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -2/3x प्लस माइनस -5/3। अब सब में जब एक्स 1/3 कॉमन किया गया तो हो गया 3x² -2x-5। तो 1/3 को छोड़ने पे आपका जो पॉलिनोमियल आ गया है 3x² -2x-5, यही आपका आंसर है। तो ये पेपर समाप्त हुआ। इसमें कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हैं जो कि आपके कंस्ट्रक्शन के थे, तो उसको भी मैं वीडियो बना के सॉल्व कर दूंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया हो। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।